हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टीनोस एजुकेटर। और आप अभी हम लोग काफी दिनों के बाद मिल रहे, ठीक है। सब लोग अच्छे से दुर्गा पूजा एंजॉय किए होंगे। और हम लोग सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे थे क्लास 10 का, तो वो सेक्शन बी तक आपका कंप्लीट हो चुका था। अब आज से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी, ठीक है। जल्दी जल्दी हम लोग पूरा सैंपल पेपर खत्म करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसके बुक का रिविजन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन सी, सेक्शन सी का क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। तो सेक्शन सी में जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन नंबर 26 है। और क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट रूट थ्री इज इरेशनल, प्रूव दैट 5+2√3 इज इरेशनल, ठीक है। तो ये आपका गिवन है कि ये इरेशनल है और ये भी इरेशनल होगा, इस चीज को प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन तो आपका चैप्टर 1 का है, ठीक है। आपके एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अगर इरेशनल प्रूफ करना हो तो इसमें सब सिंपल सा मेथड है, आपको बस स्टेटमेंट देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट कब लिखे। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या मान लेंगे कि ये रेशनल है, ठीक है। तो लेट अस एज्यूम दैट 5+2√3 इज रेशनल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या मान लिए कि ये जो है आपका ये रैशनल है। जब भी रैशनल प्रूव करना हो सबसे पहले यही करेंगे, इसको हम लोग रैशनल मान लेंगे। तो अगर ये चीज आपका रैशनल है तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं P/Q, ठीक है। अगर ये आपका चीज रैशनल है तो ये हम लोग इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर आपका क्या होता है, P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इस चीज को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख लिए। अब यहां से देखिए 2√3 बराबर क्या होगा, P/Q, 5 को इधर ले जाइए -5 होगा, ठीक है। और 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लीजिए, ठीक। 2√3 इज इक्वल टू, यहाँ पे LCM हो जाएगा Q आपका, और क्या बचेगा, P-5Q, ठीक है। अब 2 को भी इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू P-5Q/2Q, ठीक है। अब हम लोग क्या माने इसको रैशनल, इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है आपका P-5Q/2Q, ये क्या है, इज अरैशनल। ये आपका क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। तो अगर ये आपका रैशनल है इसका मतलब √3 भी आपका रैशनल होगा, ठीक है। मीन्स √3 इज रैशनल, क्योंकि एक रैशनल तो एक रैशनल के ही बराबर होगा। तो अगर ये पार्ट आपका रैशनल है तो इसका मतलब क्या होता है कि √3 भी आपका रैशनल होगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, √3 इज इरेशनल। तो ये जो बात निकल के आ रहा है कि √3 आपका रैशनल होगा, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे दिस contradict the fact that √3 is irrational, ठीक है। यहां पे ये चीज irrational निकल के आया, इसका मतलब क्या है कि ये भी आपका rational होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि √3 तो irrational है, तो इसीलिए हमारा जो फैक्ट है इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। हम जो माने हैं इसको रैशनल, ये गलत हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा फैक्ट जो है √3 इज इरेशनल है, इस बात को हम लोग का गलत प्रूफ हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग का ऐसा क्यों हुआ कि √3 आपका रैशनल क्यों आया, क्योंकि हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, ठीक है। दस आवर एजम्पशन ऐसा क्यों हुआ, दिस हैपेंड बिकॉज आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ये जो रैशनल अगर आ रहा है तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा एजम्पशन क्या है, वो गलत है। और अगर हमारा एजम्पशन गलत है इसका मतलब ये हम लोग जो माने कि रैशनल है ये भी आपका बात क्या है, गलत है। तो इसका मतलब 5+2√3 क्या हो जाएगा आपका, इज
इरेशनल, ठीक है? ठीक, सबको समझ में है, क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, सबसे पहले क्या किए कि ये चीज हम लोग को इरेशनल प्रूव करना था, तो हम लोग क्या करिए कि यहाँ पे हम लोग ये मान लिए कि ये आपका रैशनल है, और अगर ये रैशनल है तो p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से 5 को इधर ले गए, फिर 2 को इधर ले गए, तो ये वाला चीज आपका क्या हो जाएगा, रैशनल होगा। अगर ये रैशनल है इसका मतलब ये भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में है कि ये तो इरेशनल है, तो ये हम लोग का फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट किया, ठीक है? और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग क्या किए थे, दिस हैपेंड बिकॉज आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हम लोग गलत अजम्पशन लिए थे इसलिए ऐसा आ रहा था, इसलिए क्या हो जाएगा 5 + 2√3 क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका कंप्लीट प्रूफ है, इसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा, ठीक? तो अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 27 है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है आपका, वो हम रीड कर रहे हैं, ठीक है? इफ द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल x² + 5x + q आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल 2x² - 5x - 3 then find the values of p and q, ठीक है? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसका जो जीरोस होगा, इसका जीरोस क्या क्या होगा, अल्फा और बीटा, ठीक है? इसका जो जीरोस है इसके वैल्यू का, इसका जीरोस क्या है, डबल है, तो इसका जीरोस क्या हो जाएगा, 2α और 2β, ठीक है? इसके जीरोस में अल्फा बीटा है सिर्फ, और इसका जो जीरोस होगा उसका डबल है इसका जीरोस, ठीक है? x² + 5x + q का जो भी जीरोस आएगा वो इसका डबल है, तो ये 2α और 2β हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है आपको कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो -b इसमें क्या है, b का वैल्यू इसमें क्या है आपका, -5 है, और a का वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है? तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b देखिए, -5 और a क्या है, 2, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका, 5/2। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास निकल के यहाँ पे आ गया है, ठीक है? अब इस इक्वेशन में देखते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ठीक है? सम ऑफ जीरोस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सम ऑफ जीरोस, ठीक है? तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, यहाँ पे -b/a होगा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे b क्या है, p है, तो -p हो जाएगा, a क्या है यहाँ पे, a1 है, तो a1 लिख लीजिए, ठीक है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू आपका p है, और a का वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है? चलिए अब यहाँ पे ये 2 उधर जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका, -p/2, ठीक है? अब यहाँ पे और 2 को इधर मत लाइए, यहाँ पे सिंपली क्या कीजिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 × 5/2 = -p, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 = -p, ठीक है? तो p कितना हो जाएगा आपका, -5। इस बात को समझ रहे हो, दोनों तरफ आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा, -5। p का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग q का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा आपका, c/a होता है, c क्या है, -3 है, और a क्या है आपका, 2 है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा यहाँ पे, -3/2। अब यहां पे देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा हमारा, 2α × 2β = क्या हो जाएगा, c/a, ठीक है? 4α β हो जाएगा, c क्या है आपके पास, q, और a क्या है, a तो 1 है, तो 4α × β कितना आया है, -3/2 है, ठीक है, = q, 2 × 2 = 4, तो q कितना आ जाएगा आपका, 3 × 2 - 6, ठीक है? तो आप देखें कि यहाँ पे अगर डबल दिया हुआ आपका जीरोस, यहाँ पे जीरोस पता है, यहाँ पे इक्वेशन में नंबर भी है आपका, तो यहाँ से हम लोग आपका सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके फाइंड कर लेंगे क्या होगा, और इससे फिर इक्वेट कर लेंगे, ठीक है? तो ये आपका p और q का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक?
तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं, ठीक है। 28 में दो पार्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस टाइप का जितना क्वेश्चन आपको मिले उतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। एक यूनिफॉर्म स्पीड पे वो सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है। अगर ट्रेन का स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर के फास्ट कर दिया जाए तो 4 आवर कम लेगा वो, ठीक है। अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है समय कम लेगा, और फिर स्पीड जब घटा रहे हैं तो समय ज्यादा ले रहा है। तो अब हम लोग को फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, मतलब डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड को सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और फिर टाइम जो लग रहा है इसको, टाइम टेकन इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, टी आवर, ठीक है। स्पीड को एक्स किलोमीटर पर आवर मान लिए और टाइम को टी आवर, ठीक है। ये सब मतलब जो आपका स्पीड बढ़ाने और घटाने से पहले का है, पहले का स्पीड एक्स है और टाइम टी है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस हो जाएगा आपका स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड का वैल्यू क्या है, एक्स, और टाइम का टी, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस एक्स टी, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लीजिए, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स टी, ठीक है। अब हम लोग केस वन देखते हैं। केस वन क्या है आपका, केस वन क्या है कि अगर स्पीड को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति आवर के से बढ़ा रहे, इंक्रीज कर रहे हैं, तो स्पीड में 6 ऐड हो जाएगा, ठीक। और टाइम क्या होगा, अगर 6 से स्पीड बढ़ा रहे हैं तो समय 4 घंटा कम ले रहा, तो t-4 आवर हो जाएगा, ठीक। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम कर लीजिए, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x t-4 + 6 t-4, ठीक है। ये x दोनों से इंटू होगा, 6 दोनों से इंटू होगा, तो ये एक्स टी माइनस फोर एक्स, ठीक है, और +60 - 24। डिस्टेंस कितना कैलकुलेट किए थे हम लोग, एक्स टी, ये जो डिस्टेंस कैलकुलेट किए थे उसका वैल्यू पुट कर दीजिए। अब ये एक्स टी देखिए आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक। एक्स टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड है, दोनों का साइन भी सेम है, दोनों अगर ये इस तरह आएगा तो माइनस माइनस जीरो हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये जितना भी क्वांटिटी बचा सबको आप लेफ्ट साइड ले आइए, तो क्या हो जाएगा, 4x - 60 + 24 = 0। अब इन सब से क्या कॉमन आ सकता है, 2, यहाँ पे क्या बचेगा, 2x - 3t + 12 = 0। अब ये 2 जब आपका इधर जाके डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या मिल गया आपको, 2x - 3t + 12 = 0, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या है, स्पीड हम लोग 6 किलोमीटर प्रति आवर से हम लोग घटा रहे हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगा, x - 6 हो जाएगा, ठीक। और टाइम फिर क्या होगा, अगर स्पीड घटा रहे तो समय ज्यादा लगेगा, तो समय क्या है का 6 आवर ज्यादा लग रहा, ठीक। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। अब ये इंटू कर लीजिए, x t + 6 - 6 t + 6, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, एक्स टी है, x t + 6x - 6t - 36, x t कर जाएगा, और ये क्या बच गया, 6x - 6t - 36 = 0, ठीक है। अब यहां से देखिए 6 कॉमन आ सकता है, 6 कॉमन ले लीजिए, x - t - 6 = 0, तो x - t - 6 = 0,
क्योंकि 6 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। तो यहां से पहले केस से हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन मिला और यहां से हम लोग को सेकंड इक्वेशन मिला। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपका जो आंसर रिक्वायरमेंट है वो आएगा, ठीक है। तो इसको मिटाना होगा, कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको अब हम लोग यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, आपका इक्वेशन क्या है, प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, चलिए इसको मिटा लेते हैं। अब जो आपका सेकेंड इक्वेशन था वो क्या था, x माइनस टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, t प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। ये t को भी इधर ले गया, 6 को भी इधर ले गया, तो t प्लस 6 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे 2x माइनस 3t प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब x का वैल्यू पुट कर लीजिए यहां से, तो 2 इंटू टी प्लस 6 माइनस 3t प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2t प्लस 12 माइनस 3t प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब 2t और माइनस 3t क्या हो जाएगा, माइनस t होगा, ठीक है। 12 और 12 क्या हो जाएगा, 24। अब यहाँ पे देखिए माइनस t और ये इधर जाएगा, तो माइनस 24, माइनस माइनस कैंसिल, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, 24। टी का वैल्यू 24 है, तो यहां से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स क्या है, टी प्लस 6, मतलब 24 प्लस 6, ये कितना आ जाएगा, 30। तो एक्स का वैल्यू जो है वो कितना आ गया आपका, 30। अगर एक्स और टी का वैल्यू हमें पता है तो डिस्टेंस कितना था आपका, फाइनली जो पूछा गया वो क्या पूछा गया है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस बराबर क्या है, एक्स टी, x कितना है 30 और t कितना है आपका 24, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा, 720 किलोमीटर। और ये आपका आ गया फाइनल आंसर, टोटल लेंथ क्या हो जाएगा जर्नी का, 720 किलोमीटर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप एक अच्छे से एक बार देख लीजिए वीडियो, फिर इसको कॉपी कीजिएगा, ठीक है। और इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है आपका आरएस अग्रवाल, एनसीईआरटी में तो ज्यादा नहीं है, आरएस अग्रवाल में जितना आपको मिलता है उसमें सारा सॉल्व कीजिए, तभी ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग और वाला सेक्शन इसका करेंगे, ठीक। तो आइए अब क्वेश्चन 28 का और सेकेंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। अनुज हैड सम चॉकलेट्स एंड ही डिवाइडेड देम इनटू लॉट ए एंड लॉट बी। उसके पास कुछ चॉकलेट्स है और वो चॉकलेट्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग पहला लॉट में जो भी चॉकलेट्स है उसको x मान लिए और सेकेंड लॉट में जो भी चॉकलेट्स है उसको y मान लिए, ठीक है। मतलब वो चॉकलेट्स को दो लॉट में डिवाइड किया, तो फर्स्ट लॉट वाले चॉकलेट को हम लोग x ले लिए और सेकेंड लॉट वाले चॉकलेट को हम लोग y ले लिए, ठीक है। कि x नंबर्स है चॉकलेट लॉट ए में और y नंबर्स है चॉकलेट लॉट बी में, ठीक है। नंबर एक्चुअली में हम लोग को नहीं पता है, ठीक। He sold the first lot at the rate of rupees 2 for 3 chocolates, ठीक है। अब पहला जो लॉट में चॉकलेट है ए में, x नंबर ऑफ चॉकलेट, इसको वो किस रेट से बेचता है, ठीक है, 3 चॉकलेट वो 2 रुपए में बेचता है। तो अगर वो 3 चॉकलेट आपका 2 रुपया में बेचता है तो एक चॉकलेट का दाम क्या हो जाएगा, 2/3, ठीक है। 3 चॉकलेट वो 2 रुपया में बेचता है, एक चॉकलेट का दाम 2/3, तो टोटल चॉकलेट कितना है x, तो x चॉकलेट का दाम कितना हो जाएगा, 2/3x हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, एंड द सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ 1 पर चॉकलेट, और सेकेंड लॉट जो है 1 पर चॉकलेट, तो एक चॉकलेट 1 रुपया में, तो y चॉकलेट फिर कितने रुपया में होगा, 1/1 × y, मतलब y चॉकलेट y रुपया में बेचेगा। तो यहां से हम लोग को क्या मिल गया, ये x चॉकलेट कितने में बिकेगा और y चॉकलेट कितने में बिकेगा, ठीक है। अब टोटल अमाउंट जो है, गॉट अ टोटल ऑफ 400, तो यहां से हमारा फर्स्ट इक्वेशन निकल के आएगा, 2x/3x प्लस y इज इक्वल टू 400, ठीक है। इसको टोटल हम लोग सेल कर लिए तो इतना अमाउंट मिला,
वाई नंबर ऑफ चॉकलेट्स टोटल सेल किए, तो जो अमाउंट मिला दोनों को ऐड कर दिए और टोटल अमाउंट हमारा एक बार में कितना आ रहा, 400। ठीक है, इसी तरह से सेकंड देख लीजिए, सेकंड बार में क्या कर रहा है कि वो फर्स्ट लॉट वाले चॉकलेट को एक रुपये में एक बेच रहा है, एक रुपये में एक बेचेगा तो एक्स चॉकलेट एक्स रुपया में बिकेगा, तो यहाँ पे एक्स आ गया प्लस। ठीक है, और सेकेंड लॉट वाले चॉकलेट को पांच चॉकलेट चार रुपया में, अगर पांच चॉकलेट चार रुपया में बेच रहा है तो एक चॉकलेट चार बटा पांच रुपये में बेचेगा। ठीक है, तो वाई चॉकलेट्स टोटल चॉकलेट्स को कितने रुपए में बेचेगा, 4/5 वाई। ठीक है, उम्मीद है आप ये चीज को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तीन चॉकलेट को दो रुपया में बेच रहा था तो एक चॉकलेट को 2/3 रुपए में बेचेगा, तो टोटल चॉकलेट कितना है एक्स, तो एक्स चॉकलेट कितना में बिकेगा, 2/3 एक्स। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्राइस, सेकेंड लॉट का प्राइस, और टोटल प्राइस कितना मिल रहा है, 400। उसी तरह यहाँ पे एक्स चॉकलेट को एक्स रुपए में बेच रहा है और वाई चॉकलेट को 4/5 वाई। ठीक है, तो टोटल जो अमाउंट इसको इस बार मिल रहा है वो क्या होगा, एक्स प्लस 4/5 वाई इज इक्वल टू 460। सेकेंड बार में उसको कितना मिल रहा है, 460 रुपया। तो उसके पास कितना टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं, मतलब x प्लस y का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये आपका फ्रैक्शन में है, इसका फ्रैक्शन हटाते हैं तो क्या होगा, 3 LCM लेंगे, और 3 LCM लेंगे, चलिए देखते हैं, 2x + 3y इज इक्वल टू 400। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x + 3y, 3 को आप इधर ले जाइए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1200। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ठीक, यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग, ये 5 है, 5 LCM ले लीजिए, 5x + 4y इज इक्वल टू 460, 5 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 5x + 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 से इंटू कर लीजिए। ठीक है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो ऊपर हम लोग मिटाते हैं। ठीक है, ये आप कॉपी कर लीजिए फटाक से। अब यहां से हम लोग मिटाते हैं, चलिए देखिए, पहला इक्वेशन क्या मिला है हम लोग को, 2x + 3y इज इक्वल टू 1200। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 5x + 4y इज इक्वल टू, अब हम लोग को एक ना कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट करना होगा तो इसमें 5 से इंटू कर देते हैं और इसमें 2 से इंटू कर देते हैं पूरे इक्वेशन में। ठीक है, 5 से इंटू कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 10x + 15y इज इक्वल टू, ठीक है, 12 × 5 = 60। अब 2 से इंटू कर लीजिए, 10x, फिर 8y, 2 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 4600। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस साइन आएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 10x - 10x, 15 में से 8 माइनस करेंगे 7y, और ये कितना हो जाएगा आपका, 1400। ठीक है, तो यहाँ से y का वैल्यू देख लीजिए क्या आएगा, 1400 / 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 200। तो y आपका कितना आ गया, 200। ठीक है, y अगर आपका 200 आ गया तो x कितना होगा, ये y हमारा 200 आ गया। ठीक है, तो अब यहां से किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, ठीक, 2x + 3y इज इक्वल टू क्या है, 1200। यहां पे हम लोग y का वैल्यू पुट करते हैं, 2x + 3 × 200 इज इक्वल टू 1200, ये क्या हो जाएगा, 2x + 600 इज इक्वल टू 1200, 2x इज इक्वल टू 600, इधर जाके माइनस होगा, क्या बचेगा, 600 बचेगा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 600/2 इज इक्वल टू 300। ठीक है, तो x कितना आ गया आपका, 300, लेकिन x नंबर ऑफ चॉकलेट्स मिल गया, लॉट a में कितना चॉकलेट था, लॉट b में कितना चॉकलेट था मिल गया, लेकिन हमसे पूछा था क्या, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, और x प्लस वाई करेंगे तो क्या होगा, 300 + 200। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितना था हमारे पास, 500। ठीक है,
उम्मीद है ये सब क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। ये जो आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, दोनों टाइप आपका लीनियर इक्वेशन से लिया गया है चैप्टर 3, ठीक है। तो काफी अच्छे से ये सब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसमें आपको इक्वेशन खुद से बनाना है, ठीक है, खुद से बना के फिर उसे सॉल्व करना है, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सब तक ये सब आपका हेल्प हो सके, आप लोग 10th में अच्छे मार्क्स ले आ पाओ, ठीक है। चलिए तो आज यहीं पे एंड करते हैं। जय भारत, जय हिंद।